दोस्तों मैं आपको दुनिया के कुछ बड़े कंटेनर पोर्ट्स की लिस्ट दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में ऑलमोस्ट चाइनीज पोर्ट ही नजर आएंगे। सिंगापुर का पोर्ट इसमें एक्सेप्शन है, बट अगर आप और ज्यादा नीचे आओगे तो 26 और 27 पे भारत के दो पोर्ट नजर आएंगे। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से नीचे मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है और मुंबई का JNPT पोर्ट। लेकिन भारत अब ऐसा पोर्ट बिल्ड करने जा रहा है जो आने वाले टाइम में दुनिया के टॉप 10 पोर्ट की लिस्ट में नजर आएगा, जिसका कनेक्शन सीधा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के साथ भी होने वाला है। ये एक ऐसा पोर्ट होगा जो सीधा चाइनीज पोर्ट को चैलेंज करेगा और ये पोर्ट बिल्ड किया जाएगा मुंबई से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे स्थित पालघर में। तो इस वीडियो में हम तीन चीजों पे बात करेंगे। भारत इतने बड़े पोर्ट का निर्माण क्यों कर रहा है, इसकी नीड क्यों है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे महाराष्ट्र के इस पूरे रीजन की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये है JNPT पोर्ट, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ये है तो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुंद्रा पोर्ट ने JNPT पोर्ट को पीछे छोड़ दिया है कंटेनर हैंडलिंग वॉल्यूम के मामले में। आज के टाइम JNPT पोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको और ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी इसको अपग्रेड करके एक्सपेंड किया जा चुका है, लेकिन अब इस एरिया में उतना स्पेस ही नहीं है कि इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है जो पोर्ट को एक्सपेंड करने से भी दूर नहीं होने वाली, और वो है इस पोर्ट की डेप्थ। एक पोर्ट कितने बड़े वेसल्स को या फिर कहें कार्गो शिप्स को एकोमोडेट कर सकता है, ये डिपेंड करता है उस पोर्ट की गहराई कितनी है। जहाँ पे JNPT पोर्ट बिल्ड हुआ है वहाँ पे इसकी डेप्थ सिर्फ 14 से 15 मीटर की है, जबकि दूसरी तरफ मुंद्रा पोर्ट की डेप्थ 17 मीटर की है। इसका मतलब मुंद्रा पोर्ट बड़े वेसल्स को एकोमोडेट कर सकता है कम्पेयर टू JNPT। JNPT पोर्ट की गहराई और ज्यादा की जा सकती है, लेकिन फिर इसमें बहुत से और चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल चैलेंज। ये एरिया काफी ज्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव माना जाता है, फिर भी अगर सारे एनवायरमेंटल कंसर्न को इग्नोर करके गवर्नमेंट यहाँ खुदाई करती भी है, इस केस में ये फाइनेंशियल तौर पे फिजिबल नहीं होगा। एक बार यहाँ पे खुदाई की गई इसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए तो इसकी डेप्थ को मेंटेन भी रखना होगा, क्योंकि जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसकी वजह से कुछ समय बाद ये एरिया सिल्ट से भर जाएगा, इसीलिए इसकी डेप्थ को मेंटेन रख पाना काफी मुश्किल होगा। यही कारण है कि JNPT का और ज्यादा विस्तार नहीं हो सकता। अब जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया में कंटेनर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। अगर भारत सरकार पोर्ट्स को अपग्रेड नहीं करती, नए पोर्ट्स का निर्माण नहीं करती, तो इंडिया के लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ये कहीं न कहीं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिव तौर पे इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए भारत सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया के कोस्टल एरियाज में कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे नए नए पोर्ट्स बिल्ड किए जा रहे हैं, जो पुराने पोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ रेलवेज और हाईवेज के द्वारा कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि इंडिया प्रिपेयर रहे आने वाले समय में बढ़ते हुए कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करने में। मेरा मानना है सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक मेजर स्टेप है। इसी ग्रैंड विजन के अंडर वधावन पोर्ट का प्रपोजल दिया गया था 2015 के अराउंड। नाउ इस पोर्ट का स्केल कितना बड़ा होने वाला है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के टाइम देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है JNPT। वधावन पोर्ट JNPT पोर्ट से 3 गुना बड़ा होने वाला है, और सिर्फ ये बड़ा ही नहीं होगा बल्कि ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे दुनिया के कुछ बड़े बड़े कार्गो शिप्स आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं। इसकी जो गहराई है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी गहरी होगी, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान इस पोर्ट को डीपेस्ट पोर्ट के रूप में एडवर्टाइज करता है। बट इन रियलिटी भारत के मुंद्रा पोर्ट की गहराई ही ग्वादर से ज्यादा है। आज के टाइम दुनिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है यांगसांग डीप वाटर पोर्ट शंघाई का, जिसकी डेप्थ 23 मीटर की है। वहीं वधावन पोर्ट की गहराई 20 मीटर की होने वाली है। अगर इस पोर्ट के टेक्निकल डिटेलिंग की बात करें तो इस पोर्ट में 9 टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इस टर्मिनल की लेंथ 1000 मीटर की होने वाली है। इसके साथ 4 मल्टीपर्पज बर्थ को भी डेवलप किया जाएगा, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, 1 रोरो बर्थ और 1 कोस्ट गार्ड बर्थ का भी निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 1448 हेक्टेयर के लैंड को रिक्लेम किया जाएगा सी से। प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2040 तक ये 23.2 मिलियन TEU कार्गो को हैंडल करेगा। ये लिस्ट है उन पोर्ट्स की जो अभी के टाइम सबसे ज्यादा कार्गो को हैंडल करते हैं। टॉप है शंघाई का पोर्ट जो 47 मिलियन TEU कार्गो को हैंडल कर चुका है 2023 में। नंबर 5 पे है ग्वांगजो पोर्ट चाइना जो 24 मिलियन TEU कार्गो को हैंडल कर चुका है। इंडिया का वधावन पोर्ट इस लिस्ट में आसानी से अपनी जगह बना लेगा। नाउ हम इसके ट्रू पोटेंशियल और नीड को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में पता न हो। वेल, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो अभी के टाइम इंडियन रेलवे फ्रेट मूवमेंट के लिए
वही रेलवे ट्रैक का यूज करती है जो पैसेंजर ट्रेन के लिए किया जाता है। इसीलिए एक लाइन पे अगर कोई पैसेंजर ट्रेन आ रही है और उसी लाइन पे फ्रेट ट्रेन भी आ रही है तो फ्रेट ट्रेन को रोका जाता है पैसेंजर ट्रेन के लिए, यानी यहाँ पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके चलते जो फ्रेट ट्रेन है उनको बहुत ज्यादा डिले का सामना करना पड़ता है। मान लो कोई फ्रेट ट्रेन दिल्ली से मुंबई आ रही है तो उसको दिल्ली से मुंबई पहुंचने में एक हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम और मनी दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऐसा कॉरिडोर होने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए ही डेडिकेटेड होगा, जिसपे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ फ्रेट ट्रेन चला करेंगी। इसकी वजह से फ्रेट मूवमेंट की एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ने वाली है, जिससे टाइम और मनी की बहुत ज्यादा सेविंग होगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर डेवलप किया जा रहा है, जो दादरी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होगा और JNPT पे एंड होगा। जैसा कि आपको मैप में नजर आ रहा है, यह फ्रेट कॉरिडोर का रोड गुजरात से सीधा महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन से होते हुए JNPT में एंड होगा। वधावन पोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद अब डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन JNPT से पहले वधावन से कनेक्ट होने जा रहा है। इसका मतलब इस कॉरिडोर में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, वहां से प्रोड्यूस होने वाले गुड्स आसानी से इस पोर्ट का यूज करके एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इससे JNPT पर लोड भी कम होगा, इसीलिए वधावन पोर्ट की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेड बन जाती है। एक तो ये मुंबई से बहुत क्लोज है, दूसरी तरफ ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्ट होगा। बट इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक हब पोर्ट बनने वाला है अरेबियन सी में। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ मिलकर एक ट्रेड कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है, जिसका नाम दिया गया है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। जब ये कॉरिडोर फंक्शनल हो जाएगा तो आप देखना इंडिया का ट्रेड मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोपियन देशों से कई गुना बढ़ने वाला है। अभी के टाइम मुंद्रा पोर्ट और JNPT पोर्ट ऑलरेडी अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, तो इस रूट के ओपन होने के बाद इंडिया में जो कंटेनर ट्रैफिक बढ़ने वाला है, वो चाहे इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट, उसको हैंडल करने के लिए वधावन पोर्ट एक हब पोर्ट की तरह काम करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका के लिए भी है। वधावन पोर्ट के बनने से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की भी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ग्वादर पोर्ट गल्फ देशों के लिए अरेबियन सी में एक हब पोर्ट की तरह काम करेगा, जिसकी बैकिंग चाइना से होगी, बट फिलहाल इंडिया आसानी से इस पोर्ट को काउंटर करने वाला है। गोपाल कृष्णा, जो भारत के शिपिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं 2017 से 2020 तक, उनका कहना है चाइना ने जो हेवीली इन्वेस्टमेंट किए थे पोर्ट को डेवलप करने में, उसकी वजह से आज के टाइम दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री पे चाइना अपनी डोमिनेशन बना चुका है। वधावन पोर्ट इस चाइनीज डोमिनेशन को बहुत हद तक काउंटर करने वाला है। वैसे ये पोर्ट मुंबई से बहुत क्लोज है, तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होंगे महाराष्ट्र और पूरे देश को, उसको भी समझना जरूरी है। सो ये जो आप चाइना के जितने भी कोस्टल सिटीज देख रहे हैं, इनके GDP आज के टाइम मुंबई दिल्ली जैसे शहरों से भी ज्यादा की हो चुकी है। आज से 30 से 40 साल पहले ये सिर्फ फिशिंग विलेज हुआ करते थे, लेकिन आज ये दुनिया के कुछ मेगा सिटीज में शामिल हो चुके हैं। चाइना ने आज से तकरीबन 40 साल पहले इन एरियाज में हैवली इन्वेस्टमेंट किया पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल टाउन्स को डेवलप करने में, जिसने बेस की तरह काम किया इन शहरों के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, और आज इनको पोर्ट बेस्ड मेगा सिटीज बोला जाता है। ठीक उसी तरह वधावन आने वाले 20 सालों में एक मेजर इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। इस पोर्ट के डेवलपमेंट के बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 12 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। वेल, इस प्रोजेक्ट के एनालिसिस और फैक्ट्स को जानने के बाद हमें इसके आज के सिचुएशन को भी समझना होगा, जैसे कि इसको डेवलप करने का प्रोसेस और चैलेंजेस क्या क्या हैं। वेल, इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है इसी साल जून के मंथ में। इनिशियली इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का कॉस्ट 66,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया था, लेकिन मछुआरे, किसान और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके प्रोटेस्ट की वजह से इस प्रोजेक्ट को फिर से डिजाइन किया गया। इसकी डिटेलिंग में मेजर चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से इसका बजट इंक्रीज होकर अब 76,000 करोड़ रुपए हो चुका है। न गवर्नमेंट इस बढ़े हुए बजट को जल्द ही अप्रूव करने वाली है। इस प्रोजेक्ट को वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया जाएगा। सो उम्मीद यही है कि इस प्रोजेक्ट से इस पूरे रीजन की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।